बस लैपटॉप क्लिक कर लिया और हो गया। ठंडे सो गाइस अभी फ्यूल तो मैंने काले डाल दिया था फुल टैंक की, सो अभी बस निकलना गाइस। थोड़ा बैग वैग पीछे डिक्की में डालते हैं उसके बाद निकलते गाइस। बहुत ही सो ऑल सेट वीकेंड्स, काफ़ी ठंड है गाइस, रात सुबह का 1 बजे का ही ठंड है, तो ऑल सेट अभी निकलते हैं। हाय गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी जैसे कि मैं आज सुबह टाइम हो चुका है 8 AM जो अभी मतलब जस्ट अभी असम बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट बंगाल आ चुका है गाइस। वोरा बॉर्डर असम क्रॉस करके वेस्ट बंगाल आ चुका हूँ, मतलब इधर आ गया ना तो फील ही कुछ अलग हो जा रहा है गाइस। तो फिलहाल तो अभी ऐसे निकलते तो आप लोग से वहीं जाके मिलते। ऑल आउट वीकेंड्स फिलहाल तो हम लोग वेस्ट बंगाल से निकल चुके गाइस। मतलब वहाँ इतना पोपट हुआ ना गाइस, मतलब वहाँ का पुलिस लोग काफ़ी तंग करके रखा है। लगभग 1 घंटे तक हम लोग का पूरा मतलब डिस्कस ही चल रहा था गाइस। तो फिलहाल तो ये वाला सीन चेकआउट कर लीजिए गाइस, वेस्ट बंगाल का रोड कहीं बवाल सीन आ रहा है गाइस। तो फिलहाल तो हम लोग डायरेक्ट जाते हैं गाइस, तो आप लोग से मिलते डायरेक्ट एकदम नेपाल के बॉर्डर में जाए गाइस। तो हम लोग फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं नेपाल, तो नेपाल के बॉर्डर में जगह मिलते गाइस, क्योंकि वहाँ में थोड़ा फॉर्मूला है ना भंसार वंसार वो सब लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। ऑल राइट गाइस अभी फिलहाल मैं नेपाल के बॉर्डर के अंदर आ चुका गाइस। तो अभी एग्जिट टाइम हो चुका है 1:55 गाइस, 2 बजने वाला है और सुबह ना मतलब 2 बजे घर से निकला था गाइस काफ़ी सुबह। तो फिलहाल तो भंसर वंसर ले लिया क्योंकि 6 दिन का, तो इतना व्लॉगिंग नहीं कर रहा गाइस मैंने आज। तो वो रहा ऑफिस गाइस, वहाँ से भंसर वंसर ले लिया, फाइनली भंसर आ चुका है गाइस। तो गाड़ियाँ लगा दिया, तो अभी यहाँ से निकल दे गाइस, तो आप लोग से वहीं जाके मिलते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद भंसर आ चुका है, मतलब नेट काफ़ी स्लो था ना, तो लगभग आधा घंटा जैसे यहाँ रुक चुका था गाइस। तो वहीं जाके मिलते हैं। तो अभी मतलब नेपाल के अंडर एंटर हो चुका हो, तो अभी फिलहाल यहाँ थोड़ा बहुत मतलब शॉपिंग वॉपिंग करते हैं क्योंकि काफ़ी ठंड है ना गाइस। तो स्वीटर वीटर लेते उसके बाद यहाँ से निकलते गाइस। तो अभी जस्ट मतलब बॉर्डर ही क्रॉस हुआ, सो ऑल राइट गाइस मतलब पूरा काकर रहता का हो रहा है। आप लोग को बॉर्डर जो साइन बोर्ड दिखा दे रहा है गाइस वो बॉर्डर है। सो क्या ही सीन है गाइस काकर बेटा का, व्हाट इज सीन। तो गाइस अभी फिलहाल तो काकर बेटा आ चुका हूँ, मतलब है ना 6 दिन के लिए भंसार लेके आया और गाड़ी वो रास्ते में लगा दिया है, मतलब भैया लोग यहाँ स्वीटर वीटर ले रहा है और ये वाला शॉप से। तो आज मतलब मैंने स्टैंड लेके नहीं आया गया ब्लॉगिंग के लिए, काफ़ी पोपट हो रहा है। तो देखते हैं कितना ब्लॉग बना पाता हूँ, सोच रहा हूँ कि मतलब जितना दिन नेपाल रहूँगा डेली मतलब ब्लॉग देने के लिए तो कोशिश करूँगा। तो क्या कुछ सीन होता गाइस, काफ़ी तबाही तबाही वाला सीन होने वाला है। कलेक्शन गाइस मतलब पूरा ज़्यादा छोटा हुआ है, मतलब बड़ा पीस नहीं है, नहीं तो लेके जाता था गाइस, काफ़ी मज़ा दिखाया गाइस। व्हाट इज सीन, काफ़ी मतलब फिटिंग थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइट है ना गाइस। सो गाइस दिस इज़ आवर गेट काकर बेटा, वहाँ में मतलब इंडिया और ये नेपाल। फिलहाल वी आर इन नेपाल गाइस। तो मैंने वहाँ एक मतलब स्वीटर दिखा था गाइस, मतलब काफ़ी पसंद आया था वो स्वीटर, मतलब काफ़ी शॉर्ट हो चुका है। तो अभी जाते गाड़ी काफ़ी दूर में रखा है, तो आज मैं ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं कर रहा हूँ गाइस, मतलब अकेला ड्राइव करके व्लॉगिंग करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और सुबह मतलब घर से ना हम लोग ना लगभग ना 1-2 बजे पूरा 2 बजे निकला नॉन स्टॉप। अभी फिलहाल लगभग इधर 2 ही बज चुका होगा भंसर वंसर लेके अंदर एंट्री वाला। सो गाइस आज मतलब काफ़ी पोपट होना रास्ता में, मतलब जो ट्रैफिक लोग और मतलब आगे फिर भंसर में भी, तो काफ़ी तकलीफ हुआ गाइस, मतलब काफ़ी जगह मैंने फाइन भी कट चुका है गाइस आज। तो अभी फिलहाल तो गाड़ी में रख गया था और काकर बिता थोड़ा मतलब दुकान गए और भैया ने एक स्वीटर ले लिया, सो मैंने कुछ भी नहीं लिया गाइस, मतलब ये काफ़ी बवाल लग रहा था तो मतलब सब मतलब छोटा साइज का था ना उसीलिए नहीं लिया। तो गाड़ी काफ़ी दूर में रखा है, उसके बाद यहाँ से निकल दे गाइस। सो चाबी मैंने कर रखी गई, सो उसके बाद निकल दे गाइस। तो इतना ब्लॉग नहीं बना रहा और मैंने आगे भी कल भी एक ब्लॉग अपलोड कर दिया, वो भी जाकर चेकआउट कर लेना। सबसे ना मेन मुश्किल ना मैंने स्टैंड लेके नहीं आया और ऐसा तकलीफ तरीके से गोप्रो हैंडल करके व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना गाइस, शायद आप लोग को सुनाई भी दे रहा है ना नहीं दे रहा है गाइस। तो जाते हैं फिलहाल तो, और 6 दिन के लिए भंसार लेके आए थे, तो कोशिश करता हूँ कि रेगुलर ब्लॉग देने के लिए 6 दिन ही मतलब 6 डे। तो क्या कुछ होता है, तो अभी फिलहाल तो निकलते गाइस, गाड़ी वो हमें लगा दिया काफ़ी दूर, तो आगे तो भैया लोग चल रहे हैं और पीछे पीछे हम। तो वी आर इन नेपाल गाइस, एक एक ब्लॉगिंग विथ, अभी जो नेपाल का एक फीलिंग अलग होता था गाइस। तो फिर खुद का गाड़ी लेके आते हैं ना, पता ही कुछ अलग है।
के गाइस, तो मतलब शादी में आए थे तो 6 दिन तो रुकेंगे, कोशिश करता हूँ 6 दिन रेगुलर ब्लॉग देने के गाइस। व्हाट अ सीन, अभी रास्ता क्रॉस हो रहा है गाइस। चेक दिस लोकेशन गाइस। सो अभी गाड़ी में मतलब 7 जन आए थे हम लोग, तो यहाँ से निकलते गाइस। हम लोग पूरा हो चुका है, तो काकर भीतर से अभी निकलते गाइस, और हम लोग को जाना है बनेनी, तो वहीं जाके मिलते गाइस। क्योंकि मैं आज ब्लॉगिंग में ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि एकला ड्राइव करना है गाइस, और काफ़ी नॉइस आ रहा है बैकग्राउंड से, तो यहाँ से निकलते गाइस। तो अभी सबसे पहले फ्यूल भरवाते, फ्यूल है नहीं उसके बाद चेकआउट। तो मतलब नेपाल में ना फ्यूल का दाम थोड़ा बहुत कम है गाइस, जो कि इंडिया से, तो फ्यूल भरवाते उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। और जो कि नेपाल से, मतलब यहाँ में ना रेट काफ़ी कम है गाइस, 134 है नेपाल का, तो वहाँ का लगभग कितने हो, तो मुझे भी इतना कैलकुलेट नहीं आता गाइस। तो आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता देना। फ्यूलिंग हो रहा है गाइस, कोल्ड ड्रिंक करते और निकलते गाइस बने निकले, और ज़्यादा फ्लोइंग नहीं करो, रास्ता में थोड़ा बहुत फ्यूल लेंगे उसका फिर वहीं जगह मिलते हैं। तो हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके गाइस, जो कि नेपाल में जरा के ड्राइव करने के लिए ना मज़ा ही गुजर गाइस। तो फ्यूलिंग व्यूलिंग पूरा कर दिया गाइस, तो हम लोग फिलहाल तो गाड़ी पर चढ़ जाने, जो कि भैया लोग जा रहे हैं, भैया का बेटी का शादी है। चेक दिस व्यू गाइस, पूरा मतलब टी गार्डन गाइस, मतलब दो ही तरफ बीच में रास्ता, का ही बवाल वेदर है गाइस आज का। तो चेक दिस आउट, अभी फिलहाल तो टाइम काफी मतलब शाम का 5 बजने वाला गाइस, तो व्हाट अ सीन, का ही नजर आ रहा है। So check this out guys, what a scene in Banani guys, काही तवाई हो रहा है। So finally guys, अभी फिलहाल तो भैया घर में आ चुके गाइस, और ये वाला चेक आउट कर लीजिए गाइस, काही गंदा हो चुका है। मतलब इंडिया का जितना भी धूल था ना, अभी फिलहाल हम लोग आए झापा बननी, तो काही बवाल सा नजर आ रहा है गाइस। तो फिलहाल तो 6 So all right guys, काही व्यू आ रहा है गाइस, तो मतलब काही रास्ता है इधर, मतलब काही बवाल रास्ता गाइस। तो अभी फिलहाल तो मैं मतलब बननी आ चुका गाइस, जो कि नेपाल झापा, तो अभी जाते आंटी के घर में, तो वहीं जाके मिलते गाइस। तो फिलहाल तो मैं वहाँ से डायरेक्ट आ चुका हूँ आंटी के घर में, मतलब जो कि बने नहीं। सो मतलब आज इतना टायर्ड हो चुका ना गाइस, मतलब मैंने रास्ता में व्लॉगिंग भी ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि एकला ड्राइव भी करना था, और मतलब एक दिन में 600 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए मतलब काफ़ी मुश्किल होता है गाइस। और जो सुबह हम लोग निकलना टाइम में ना, ऐसा मतलब फॉग था ना रास्ते में, फॉग तो मतलब कुछ रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा था गाइस। तो अभी पूरा मतलब टायर्ड हो चुका था, तो आज मतलब सोते गए, तो कल से रेगुलर ब्लॉग देने की कोशिश करूँगा। लगभग हम लोग मतलब 6 दिन के लिए भंसार लेके आए, आज है फ्राइडे, तो 6 दिन के लिए भंसार लेके आए गए। तो मतलब आइयो, आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सी यू सून गाइस। तो फिलहाल तो रूम में है, ठीक है, तो मतलब खाना वाना खा लिया, तो उधर से आते ना मतलब फटाफट मैंने पूरा मतलब फ्रेश हो गया गाइस। इतना मतलब जो ड्राइव करके टायर्डनेस आता है ना, काफ़ी दूर हो चुका है, तो अभी फिलहाल सोते गाइस। तो अभी एग्जैक्ट टाइम हो चुका है गाइस, 7:38 गाइस, 7:40 होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू सून।